तो दोस्तों आपका स्वागत है डीसी टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 7। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमॉन डार्क फायर। पिछले ही एपिसोड में हम गए थे रूट नंबर 9 की तरफ, जहां पे हमें मिले थे प्रोफेसर, जो मतलब नए ट्रेनर्स को अपना पहला पोकेमॉन चूज करने को दे रहे थे। वहीं पे हमें एक पर्सन मिला जो अपना पहला पोकेमॉन लेने आया था, और उसने बताया था कि हमने इसे ग्रीन डेल विलेज के चैंपियन को हराया और वो हमारा बहुत बड़ा फैन था। और बाद में प्रोफेसर ने हमें मतलब पूरा लैब घुमाया और उन्होंने बोला कि अब यहाँ से हम कोई भी चूज पोकेमॉन कर सकते हैं और इसमें हम भी एक पोकेमॉन चूज कर सकते हैं। तो हमने चूज किया था ट्रिको। उसके बाद हम गए थे एक आइलैंड पे। उस आइलैंड पे हमें मिला था दूसरी सिटी का चैंपियन, जिससे हमने फाइट की और अपना सेकंड बैच दोस्तों हासिल कर लिया था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पीछे मैंने पूछता कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो दोस्तों ये है चैंसी। सबसे पहले आंसर दिया है एनिमल लवर ने, फिर दिया है लेजेंड गेमर ने, फिर दिया है पोकी रेंजर ने। दोस्तों यही वो डीप पोकेमॉन हार्ड फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डीप पोकेमॉन हार्ड फैन हो तो भी आप जवाब दे पाओगे, क्वेश्चन कुछ के स्क्रीन पे आने वाला है और इस वीडियो को अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तभी इन क्वेश्चन का जवाब दे सके। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ क्योंकि ये है अपना रूट नंबर नेक्स्ट। और यहाँ पे पहले मैं बाइसाइकिल निकाल लेता हूँ और एक नया पोकेमॉन आ गया, तो मतलब मैं रिपल यूज कर लेना चाहिए ताकि इन पोकेमॉन से हम बच सकें। और मैं ट्रिको को पीछे कर देता हूँ और पिकाचू का, अगर ट्रिको का भी लेवल सिर्फ 14 में बढ़ा पाया, ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया, और जब मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं करवाई थी इसीलिए बाकी वो रिपल्स कहाँ गए अपने। ओके तो रिपल ओके ये है रिपेल। वैसे मैं तो रिपेल भी मैं लिमिटेड ही पड़े हैं, अब यार मैं बाय करूंगा। अरे यार ये आइस पजल मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। अरे यार ये दोबारा पजल आ गई। तो ठीक है गाइस, पहले इस पजल को सॉल्व किया जाए और देखा जाए कैसे हमें रास्ता पार करना है। बाकी मैं देख रहा हूँ अभी, आई थिंक कहाँ से करें आगे, ऊपर से देख लेते हैं एक बार। यार एग्जिट कैसे करें, क्या पैसे हटा के देख लेता हूँ एक बार। ओके नहीं 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 यार गलत सीन हो रहा है, अपना गलत सीन हो रहा है भाई साहब। एक मिनट क्या किया जाए, बट देख लेते हैं ऊपर उधर देख जरा, देख लेते हैं जाकर यहाँ से ऊपर जाएं कि ना जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीचे की तरफ से नहीं 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 अभी भी वैसा ही हो रहा है, नीचे तरफ से हम नहीं जा पा रहे हैं। तो ज़रा एक बार मैं ऊपर से दोबारा आया हूँ स्टार्टिंग से, तो देखते हैं एक बार क्या ये पजल मैं सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है ये बहुत ज़्यादा। नहीं 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 यहाँ से वैसे भी नहीं। ओके नहीं यार गलत हो रहा है, अभी भी हमें उस ट्री तक पहुँचना है यहाँ पर कार्ड अटैक करना है। तो मैंने कार्ड अटैक से सिखा दिया हुआ अपने टडी शूटा को, क्योंकि टडी शूटा ही मैंने पोकेमॉन ऐसा रखा है जो स्ट्रेंथ अटैक के लिए, रॉक स्मैश के लिए और कट के लिए सबसे बेस्ट है। और बाकी यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ी, मैं उसे क्लेम करके देख लेता हूँ क्या है। मैक्स ईथर जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है बैटल्स के टाइम, मैं मैक्स ईथर को यूज़ करूँगा पोकेमॉन लीग के टाइम, क्योंकि मैं पोकेमॉन सेंटर यहाँ जाते नहीं देते नहीं ना मेनली उसे। बाकी यार मुझे उस ट्री तक पहुंचना है, शॉर्टकट कोई है नहीं ट्री तक जाने का, तो आई थिंक हमें वहीं से जाना पड़ेगा। ओके तो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया जाए अब। यहाँ से यहाँ ओके नहीं 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 कि गलत कर रहे हैं क्या दोबारा। आई थिंक ऐसे ऐसे ऐसे, यार क्या मिस कर रहा हूँ मैं। आई थिंक गाइस हमें दोबारा देखना चाहिए एक बार, और दोबारा मैं सोच रहा हूँ कैसे किया जाए यार, बस उस पूरे पेड़ तक जाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओ भाई अपना आई क्यू लेवल बहुत कम है और इस चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है हमें फालतू में। यार मुझे ये आइस वाला पसल बिल्कुल पसंद नहीं, अगर आग भी आइस वाली पसल आई ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा इस वीडियो को बनाते बनाते। ओके बस थोड़ा सा हो गया पार, पर मैं स्ट्री तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक मुझे स्ट्री तक पहुंचने का रास्ता देखना पड़ेगा। चलिए गाइस जल्दी बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पर कार्ड अटैक यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे किया जाए गेम को सेफ, क्योंकि यहीं से हमारा जाने का रास्ता हो सकता है। ओके अब दिमाग लगाया गया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, नीचे की तरफ नो गलत है, दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। तीन रास्ते हैं, कोई ना कोई जरूर चलेगा, एक में से एक जरूर चलेगा। अगर ये नहीं काम किया तो नेक्स्ट काम करेगा, यहाँ से चलते हैं सीधा आप। ओके 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 ओ हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया, ये हुई ना अच्छी बात।
ओके यहाँ पे ट्विंस हैं, इसका मतलब ये फाइट करेंगे, हम फाइट बिल्कुल नहीं करने वाले इनसे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे एक लड़की है, शायद वो फाइट कर सकती है, शायद मैं वीडियो स्किप कर दूंगा अभी। और इसमें क्या है, कुछ है क्या? नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके फाइट टाइम। ओ गाइस मैं वैसे पॉइजन हो चुका हूँ और मैंने पॉइजन वाला हील कोई भी नहीं दिया पिकाचू को, बाकी देखता हूँ अगर आगे कोई फाइट वगैरह का सीन बना। अरे बन गया सीन। ओके गाइस बढ़ते हैं आगे अब और जल्दी बढ़ते हैं, और मैंने इसमें पॉइजन को ठीक किया, पॉइजन हील को, मतलब वो होता नहीं जो पोशन सा देते हैं, मैंने उसको कर लिया, मतलब मेरे थोड़ी बैरिज वगैरह पड़ी थी वही अपना काम करेगी थी। यहाँ पे फाइट हो सकती है, ऊपर से चलते हैं, यहाँ पहले सेव करते, फाइट ही नहीं करूँगा, नो नहीं करूँगा, आगे बढ़ता हूँ, नो नहीं करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। भागो, नहीं भागने दिया, दोबारा भागो 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 भागो, शुगर बच गए, थोड़ा जस्ट मिस हो गया। ओके तो ये ट्रेन हमें शायद अगली सीढ़ी तक ले जाए मेनली मुझे लग रहा है, बड़ा अजीब सा नाम है, मैं नहीं बोलूँगा। ओके तो यहाँ पे एक पोकीबॉल पड़ी है, उस पोकीबॉल को मैं बाद में देखूंगा, और अभी के यहाँ पे देख लेते हैं इस बोल्डर्स को हटाया जाए, और इसके लिए स्टैंडर्ड अक सिखाना पड़ेगा हमें टडी शुरा को, जो उसे आ जाएगा। ओके तो कहाँ है स्ट्रेंथ अटैक, तभी मैंने टडी शुरा को पकड़ा है, मैंने चलो इसको हम थोड़े बहुत 3 TM पे सीख ही लेगा, और 1 TM ना भी कोई बात नहीं, पहले TM के लिए हम रख लेंगे इसे। ओके तो वैसे भी ये बेकार अटैक है, वैसे स्टैंड तब भी थोड़ा काम आ जाएगा अपना, वो टीयर्स वाला किसी काम का अटैक नहीं है हमारे लिए। अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से और बोल्डर्स को हटा कर देखते हैं, यहाँ पे कोई रॉक स्मैश करना है क्या, पता नहीं, रॉक स्मैश तो है भी नहीं अपने पास। एक मिनट यार, ये तो वही टीम है ना, SBU कुछ ही नाम है अजीब सा। तो सैंड अटैक वर्क कर चुका है, तो बोल्डर्स को हटाया जाए। ओके यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ से जंप करके हम वापस आ जाएंगे। ओके गुड वर्क मैन, कुछ किया है इन्होंने। हाँ SUBO, हाँ यही है इनकी टीम का नाम। एक मिनट ये कुछ बता, इन्होंने पोकेमोन स्टोल किया, आई थिंक मुझे जो बैग है उसके अंदर पोकेमोन थे और इन्होंने स्टोल कर लिए हैं, और लगता है कि वो इन पोकेमोन्स को ईविल पावर्स के लिए यूज करना चाहते हैं। ओ नो यार ये गलत सीन हो रहा है, तो क्या इनसे हमें फाइट करनी पड़ेगी? ओके एक मिनट, ये गवर्नर के ऑफिस में भी कुछ बात कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये शॉर्टकट है सिटी तक जाने का, लगता है हम जल्दी पहुंच जाएंगे सिटी की तरफ से। ओके एक मिनट, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, उनको शक होगा, वो शायद चाहते हैं कि हम उसकी टीम ज्वाइन करें अगर हम उनके पास आते हैं तो, बाकी देखते हैं, वैसे हम टीम ज्वाइन तो नहीं करने वाले हैं, वैसे ये लोग बुरे हैं। ओके तो देखते हैं क्या बनता है। रॉजर दैट, ओके उन्होंने बैग उठा लिया, एक मिनट हमें देख लिया, व्हाट अ सरप्राइज। ओके आई थिंक ये हमसे फाइट करेगा, और सिर्फ यही फाइट करेगा, बाकी दोनों भाग जाएंगे, ये बस एक अकेला ही मार खाएगा आई थिंक, बाकी देखते हैं कितनी बात मेरी सच होती है, कितना फाइट होने वाली है। ओके तो गाइस मैंने इसको इस फाइट में हरा दिया हुआ है, और कोशिमा का हमारे सिर पे, वो लोग भाग गए हैं। एक मिनट वो भी भाग गए यार, वो शॉर्टकट है ना यहाँ से पकड़ लेंगे इन्हें, ओ उन्होंने एक्सप्लोजन कर दिया। ओके इस बैग में देखते हैं क्या है, इन्होंने SBO जो भी इसका नाम है SUBO, इन्होंने ये इनको इस बैग को ओपन करके देखते हैं, अरे क्या बैग छोड़ा इन्होंने, एक मैगमी है भाई साहब, बढ़िया मैगमी मिल गया भाई, मैगमार बनाएंगे फिर मैग मोटर बनाएंगे। अच्छा मैंने कोई फायर टाइप पोकेमोन नहीं पकड़ा, और एक ग्रास टाइप पोकेमोन फायर टाइप पोकेमोन इसको मिला के अपनी टीम पूरी होती है, वाटर फायर ग्रास इलेक्ट्रिक फ्लाइंग और एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन, इससे हमारी टीम पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब दोनों का लेवल बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा, सबका लेवल बढ़ाना है अभी यार, पिकाचू भी सबसे मैक्स में है 28 का है, बाकी सब नॉर्मल है अभी, बाकी देखता हूँ मैं इन लोगों का लेवल जरूर गेन करूँगा, पर अभी के लिए रुक जाते हैं। ओके अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे एक हिल मैन है, आई थिंक ये फाइट करेगा, और इसमें इसको फाइट में हरा दिया हुआ है, और अब आगे बढ़ते हैं, आगे रूट नंबर 7 की तरफ आ चुके हैं, और ये गेट लगता बंद है क्या, हाँ डोर क्लोज है, और इस ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आई थिंक अब ये सर सिटी तक हम पहुँच जाएंगे इस स्पीड से तो। ओके तो यहाँ पे एक और टनल आ रहा है, ओ ये तो वही मैन था ना जो ऊपर था, मतलब टनल के थोड़े नीचे के साइड आए होंगे, अरे भाई साहब फिर से एक आइस पजल, अब थोड़ा दिमाग फिर लगाना पड़ेगा। ओके यार पोकेमोन आ रहे हैं, पहले बुरा हाल हुआ पड़ा है, ऐसा करते हैं हम रीपल यूज़ कर लेते हैं, अरे भाई साथ ही रीपल रह गए हैं, खरीदने पड़ेंगे। ओके यहाँ से देख लेते हैं, नो यहाँ से भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं। ओके नहीं 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 आई थिंक मैं समझ गया थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे नहीं, 2 मिनट, यहाँ से यहाँ पे अब थोड़ा सा ऊपर, और ये हो गया भाई हो गया, ऊपर पॉकेबल पड़ी थी वो उसे क्लेम कर लेते हैं।
इस पॉकेबॉल में है रिवाइवल, नहीं रिवाइवल के बोल रहा हूँ, रिवाइव पड़ा है, रिवाइव जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ओके चलते हैं बाहर की तरफ और अपना कौन सा है, रूट नंबर 7। ओके रूट नंबर 7 पे चलते हैं और आगे आई थिंक वहाँ पे कोई पर्सन मुझे दिखा है हल्का सा, बाकी चलते हैं। भाई साहब कैंपिंग ये हुई ना बात, बात करते हैं। और एक मिनट, ये स्टोरी सुनाने वाले हैं दो बच्चों के बारे में। ओके तो सुनाओ ना। ओके ओके जल्दी जल्दी आगे बढ़ो यार, कोई काम की चीज़ बतानी है तो बताओ, ये स्टोरी वगैरह सुनने का भी कोई मूड नहीं है। ओके ठीक है, ओके बाय द वो लोग बोल रहे लव यू। ओके 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 ओके, अरे यार ये कुछ फालतू चीज़ बता रहा है, या तो कोई क्लू दो यार। एक मिनट, क्या क्या भाई क्या। ओके क्या रॉक स्मैश अटैक दोगे भाई, क्या या फिर रॉक क्लाइंबिंग, वो भी एक टीम में आता है, टीम के लिए वो एचएम में आता है रॉक क्लाइंबिंग भी। ओह शुक्र है रेस्ट करवाई इसने, हमारे पोकेमॉन हील हो जाएंगे। और साथ में दिया मैक्स रिपेल जो बहुत ज़्यादा काम आएगा अपना, मैक्स रिपेल सबसे बढ़िया होता है रिपेल्स के बाद में। और यहाँ पे एक ऑनिक्स भी है इनसाइड, ओके अगर ऑनिक्स मिलता तो पकड़ते हैं। बाकी हम बाहर की साइड आए हैं और देखते हैं ऊपर क्या बनता है अपना सीन। ओके यहाँ भी बोल्डर्स हटाने हैं, मैं उस पोकेबॉल को बाद में क्लेम कर लूँगा, अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। पर मुझे याद भी रखा कि नहीं मैं भूल जाऊँगा, पर जैसे वीडियो में कट वगैरह करता रहता हूँ उसे मैं क्लेम वगैरह कर लेता हूँ। और बाकी देखते हैं अगर वो पॉकेबल होती है क्लेम, ठीक है अगर छूट गई तो मैं बाद में उसे क्लेम कर लूँगा। ओके तो ये बोल्डर्स हट चुके हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ और ये हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ओके और ये इतना बड़ा क्या है ये भाई क्या है ये कोई इग्लू टाइप्स है क्या, नहीं इग्लू तो बहुत छोटे होते हैं ना, आई थिंक ये कोई मोन्यूमेंट्स है, देखते हैं। ओके नहीं नहीं थोड़ा बच बच के, यहाँ पे कोई पोकेमॉन तो नहीं आएगा ना, नहीं वैसे पोकेमॉन की कोई संभावना तो है ना, कोई यहाँ पे कोई ग्रास ग्रूस तो नहीं है। अरे यार मुझे फिर पजल लग रही है कोई आइस वाली, अरे यार ये आइस पजल की दोबारा आ गई। अरे यार ओ भैया इस पजल को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे चार पजल हैं क्या अलग अलग तरह की, आई थिंक सो चार पजल हैं, फिर देखना पड़ेगा मुझे कहाँ से जाएँ, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं 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 गलत जा रहे हैं क्या, नहीं। ओके 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 ना गलत है अभी भी गलत जा रहे हैं, तो क्या किया जाए सर अब इसका, हम क्या करें भाई बोलो। तो सर देखो अब ऐसा कर लिया है हमने कि यहाँ से यहाँ कर लो और यहाँ से, यही मुझे पजल सॉल्व हुई है और ये फर्स्ट वाली है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड रो जो आगे वाली है, और यहाँ पे कुछ बना हुआ जो समझ नहीं आया मुझे, बाकी देखते हैं। ये भी कोई मुझे आइस वाली पजल लग रही है। ओ भाई रेगी रोक की रेगी रीक कुछ इनमें से एक ही पोकेमॉन है, मुझे नाम नहीं पता सही से इसका, ये कोई लेजेंडरी मोन्यूमेंट है और लगता है यहाँ पे कोई लेजेंडरी पोकेमॉन होने की संभावना लग रही है आई थिंक। बाकी देखते हैं ऊपर की तरफ, और वैसे मैं फिर उलझ चुका हूँ ये तो मैं देखता हूँ, अगर वीडियो थोड़ी स्किप करनी है तो मैं वीडियो स्किप कर दूंगा, भी कुछ आइडिया लग नहीं रहा है यहाँ से जाने का, यहाँ से यहाँ ये थोड़ा सा ना लगता है कि हम थोड़ा गलत आए हैं आई थिंक। यहाँ पे एंट्री तो हम कर भी लेंगे पर आई थिंक जो रेगी रॉक के पीछे वाला गेट है वहाँ तक हम ना जा पाएँ, तो गाइस वही हो मैं वहाँ तक पहुँचा था पर मैं रेगी रॉक के पीछे नहीं जा पाया और मैं इसलिए नहीं इस जगह को पार करने लगा हूँ अभी के लिए, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। बाकी हम इस टनल से, हमारे टनल तो ऊपर नीचे ऊपर की वहाँ का टनल से नीचे, हम टनल से हम चलते हैं अगली सिटी की तरफ, आई थिंक अगली सिटी इसके आगे ही होनी चाहिए। और मैंने क्या रिपल यूज़ किए थे क्या, मैंने क्यों पूछा, पोकेमॉन ही आ गया। ओके विस्मूर, बाकी हम रिपल यूज़ कर लेते हैं, ओनली 6 रिपल हमारे पास बचे हैं, कोशिश करूँगी मैं रिपल थोड़े से खरीदूंगा और थोड़े पोशंस भी होगी, मेरे पोशंस भी कम हो गए हैं। ओके तो इस आइस में फिर एक पजल है और थोड़ी आसान वाली है, पर मैं क्यों मज़े ले रहा हूँ इस आइस के, थोड़ा सा ऊपर जाके बॉल ले लेते हैं, पॉकी बॉल में क्या है देखते हैं। एक मिनट दो रिकॉर्डिंग होने लग पड़ी क्या, शायद मे भी वहाँ पे दो रिकॉर्डिंग शो हो रही है मुझे, या गाइस दो रिकॉर्डिंग शो हो रही थी, बाकी मैंने सही कर दिया है। चलते हैं नीचे की तरफ से और यहाँ पे है आई थिंक एग्जिट, वाओ तो ये है रूट नंबर 7। अभी तक रूट नंबर 7 चक्कर ही काटे जा रहे हैं हम लोग और मुझे अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा मैं ये सोच रहा हूँ कब से। आई थिंक अब ऊपर देख लेते हैं एक बार कुछ इस पॉकेबॉल में क्या है, बस यही चीज़ें देते रहो भाई मुझे, बस सीधी तक जाना, सीधी तक छोड़ दो ना प्लीज़, पता नहीं कितनी बड़ी भूल भुलैया ये रूट नंबर 7 ही क्या हुआ भाई साहब,
अब क्या करूं, यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए हमें। आई थिंक यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे अब। और यहाँ से हम गए और ये नीचे की तरफ, आई थिंक ये भी एग्जिट है। यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही कि बाहर एग्जिट है, बाहर एग्जिट है। ओ भाई यस, बाहर एग्जिट था। फाइनली हाई विंड विलेज में हम पहुंच चुके हैं। फाइनली भाई, फाइनली पोकेमॉन सेंटर में आ चुके हैं। हमने एचपी फुल कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये गेम कैसा लगा। सर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी कोई नई गेम इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है। तो थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो।